हर गुजरते दिन के साथ एक न्यू एक्सपीरियंस लाइफ में ऐड होता है, या मैं कह सकती हूँ कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी। अब ऐसी एक न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एंड गेस व्हाट, मैं तो फाड़ ली। हुआ ये कि हमारे यूनिवर्सिटी का एक इवेंट है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट। अब पहले दिन मैं उसकी तैयारी के लिए गई, लेकिन हुआ ये कि मुझे काफी देर वेट करना पड़ा, लेकिन फिर मैं उस जगह चली गई जहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स की रिहर्सल होनी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गैदरिंग है यहाँ पे। अब वहाँ पे राइट साइड पे बैठे थे मोस्टली मैनेजमेंट की टीम, और लेफ्ट साइड पे खड़े थे मीर हमजा, जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, और इवन के उन्हें भी नहीं पता था कि उन्होंने कंपेयरिंग में मेरे साथ परफॉर्म करना है। थोड़ी पैंड का कॉन्फिडेंस चेक करो, आइडिया मैंने कुछ नहीं है की होने वाला, बट कॉन्फिडेंस चेक करो किस कॉन्फिडेंस में आप वीडियो रिकॉर्ड। It looks like I know everything. यहाँ से स्टार्ट होती है परफॉर्मेंसेस। आगे गिटार परफॉर्मेंस, आप देख रहे हो की हो रहा है। अच्छा, इनके स्टेप से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन से सॉन्ग पे एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने लगता था अंदाजा हो गया, बट अगेन वैसे ही पूछ रही हूँ। बट यकीन करें, चाहे म्यूजिक स्पीकर पे लगा हुआ था, बट मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई। उनकी पहले बहुत होती थी, पहले तो बस म्यूजिक बजता जाता था, मेरे मोड़े हिलने लग जाते थे। अल्लाह माफ करे, नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। मैं ही हूँ मोस्टली, और हमारे कुछ फेलोज हैं, अब हमें प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस करने तो बाद में वापस चली है, वापस जाके ना थोड़ा दिखानी है। यूनिवर्सिटी से इस सिचुएशन से मैं कभी आई नहीं है, बट अब आना पड़ा है। मैं कितने जा रही हूँ वहाँ हूँ फिलहाल, कोई हेलो आए मैंने कर दे तो इनविजिबल फ्रेंड की बने मेरा इतने गाउन चना दिए भी कितनी बुरा लगता बंदा। खैर, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द बाइसाइकिल दैट आई हैव किथे गई, इतने खड़ी की सी। मेरे अजकल साइकिल बड़े चोर पै रहे, मैं नजर नहीं आ रही अपनी साइकिल पर ये वहाँ पे खड़ी है। ओके, शुक्र ये मेरे पास ट्रैवल करने का वो भी गया था, फिर मेरे को पैदल जाना पड़ा। आई डोंट मूव ऑन दैट। यूनिवर्सिटी जाने के बाद ना हॉस्टल में एक काम होता है कि आप खाने का थोड़ा सोचते हो इस बारी, लेकिन हूँ इस टाइम जब मैंने भूख लगी ना इन्ना काम करने के बाद, तो मैं सुबह का नहीं कुछ खाता, कोई हालत नहीं है। शेक पिया है, लव पला करे भरावा ने मैंने पुला था, बट एक मिल्क शेक से क्या बनता है आप लोगों को मेरा पता है। उसकी ब्लॉग बनाते नहीं हूँ, जे कितने मैं पढ़ी जावा ना बनाती हुई बहुत पची होना पड़ता है बिलीव में। अब क्योंकि फर्स्ट डे प्रैक्टिस खत्म हो चुका था, सो आई टुक माय बाइसिकल एंड देन आराम सुकून के साथ आई रश टुवर्ड माय हॉस्टल। तो उस दौरान थाने पता कितनी गर्मी हुई इसी होए। पर अल्हम्दुलिल्लाह वापसी पे मौसम अच्छा खासा ठीक हो गया था। अब उसके बाद दो दिन तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हुई, लेकिन फिर एंड पे हमने डिसाइड किया कि थर्ड डे, क्योंकि ये लास्ट डे था, इस दिन हम मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि दो पेयर से कंपेयरिंग के, एक हमारा पेयर था और एक जूनियर्स का। अब एक्चुअल प्रैक्टिस से पहले ना हमने कहा चले एक दूसरे की स्क्रिप्ट पढ़ के देखते हैं। मेरे वीरे ने इदा स्टार्ट की थी, उसके बाद प्रैक्टिस के टाइम पे हमें अब्दुल्ला ने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, थानू एक गल दसदा कि ए अब्दुल्ला ओही वीरे है जिन्होंने मैंने एक्चुअली पूछा सी कि तुसी पार्टिसिपेट करना या नहीं। सो बेसिकली ही इज द रीजन हु मेड माय माइंड टू पार्टिसिपेट इन इट। अच्छा जी, तब तक अब वार्म अप काफी हो चुका था, सो वी डिसाइडेड कि अभी एक्चुअल में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। आज की इस खूबसूरत मौका पर आज के तो मैं हूँ आपका मेजबान, मीर हमजा मेरे साथ हैं। तेरा कर्म भी है बोला, इसी से तो मेरा कर्म भी है। चलो फाइनली मेरी टर्न खत्म हुई, तो मेरे वीरे ने भी शुक्र किया होना कि चुप किया मैं। वो कलाम जिसको सुनकर हमारे ईमान ताजा हो जाए। वैसे मेरी प्रिपरेशन च बहुत ज्यादा हेल्प की थी इन्होंने मेरी।
उसके बाद ऐसे ही दूसरे पेयर के साथ हमने अल्टरनेटिव प्रैक्टिस की, बट क्या लगे फाइनली प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। फिर मेरे हसल वास्ते आई सी, तुझे कहंदे होने के मैं तो सेम ही कपड़े पाए हुए आ, मैं की कर लूं सर, मैं मेरा मूड नहीं था कोई और स्टॉल लेने का। पता होता ना कि हां मैं कोई न्यू एक्टिविटी है, न्यू एक्टिविटी क्या, पता था कि यही बनी है परफॉर्मेंस। सो भाई सेम ही स्टॉल ले आई मैं, इतना सेम लग रहा है, मैं दो बार चल के आई, ऐसा नहीं ये दूसरे दिन ही है, यकीन करे मेरे अल्फाज पे। इकल्ले होते हो ना फिर ब्लॉग बनाने का बहुत मजा आता, बिकॉज नोबडी इज वॉचिंग यू, नोबडी इज ऑब्जर्विंग यू, कैन जस्ट से व्हाटएवर यू वांट। फिर भी कंफ्यूज हो जाती हूं मैं कभी कभी, हाल चेक करो। असल होया है कि आज थोड़ी प्रैक्टिस की थी, प्लान ये कि 12 बजे प्रैक्टिस करके फ्री होवांगे, बट हुआ ये 12 बजे तक या 1 बजे तक हमने, 2 बजे तक हमने लिखना खत्म किया, मतलब कंप्लीट की थी राइटिंग, बाद हमने प्रैक्टिस करने स्टार्ट की। इतना नहीं प्लानिंग होती बस आई व्हाट वी विल डू ऑन द थर्ड डे ऑफ प्रैक्टिस, विश अस गुड लक। अब प्रैक्टिस तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है और मैं साइकिल लेकर हॉस्टल भी चली जाऊंगी, बट बात यह है कि ये जस्ट प्रैक्टिस है, इसका एक्चुअल पार्ट जो एक्चुअल परफॉर्म किया था भाई, वो मेन पार्ट तो रहता है अभी, और अगर आपने वो मिस कर दिया कसमें बहुत कुछ मिस करोगे। सुनसान बेबान तो जा रही है एडवेंचर के चक्कर में, कुछ और ना करा रहा, क्योंकि उत्थे मेरे ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस हुए थे जिन्हें मैं थानू एंड दस नहीं सकती, तो आप देखोगे तो पता चलूगा थानू, ते एंड ते वो गल वो एक्सपीरियंस साडे नाल शेयर करना जो मैं पहले कभी नहीं किया। सो यू बेटर डिसाइड इफ यू वांट टू सी द नेक्स्ट पार्ट और नॉट, टेंशन ना लो, वो पार्ट बहुत छेती आऊगा, होप सो। इस पर यकीन कर सकते हो, तुम यकीन कर सकते हो किसी हद तक।